और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा, बातचीत की है उनसे मेरे सहयोगी रमन कुमार ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आज वायनाड से चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं प्रियंका गांधी की एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि को? हम इसको बहुत महत्व देते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रियंका जी का पहली बार संसद सदस्य बनना, एक संवैधानिक जिम्मेदारी लेना, ये बातें भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालने वाली है। और उनमें लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं और वो आज संसद में आ रही है, तो ये जो है आगे की राजनीति की दिशा और दशा को निश्चित रूप से बदलेगा और सबके लिए भावुक क्षण, ऐतिहासिक क्षण। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लोकसभा में मौजूद रहने पर क्या असर पड़ेगा कांग्रेस की रणनीति बनाने में? एक तरह से पूरे विपक्ष को मजबूती मिलेगी, विपक्ष अपने मुद्दों को और अच्छी तरह से उठा सकेगा, जो सरकार अनदेखी करती है विपक्ष के मुद्दों को, उनको प्रभावशाली ढंग से उठाया जा सकेगा। आपको लगता है कि कुछ देरी हुई प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में या संसद के रूप में आने में? देर कुछ नहीं होती है, जब जागो तब सवेरा। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज। थैंक यू सर।